कितना प्यारा लग रहा है, अभी थोड़ा काम और बाकी है। हेलो गाइस, मेरा नाम है देवरथ राणा और आप सभी का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। आप सभी को राम राम, आप सब होंगे अच्छे। तो मैं सुबह सुबह आया था, अभी आ गया बेटे। आकर देखा कि मम्मी ने छोटी बेबी को ट्रैक्टर में बैठा रखा है। सुबह सुबह लेकर आ चुकी थी मम्मी और ट्रैक्टर में बैठा दिया छोटी बेबी को। आराम से बैठी है बिल्कुल, ये देख लो। और हमने से जर्सी इसलिए पराई क्योंकि सुबह सुबह ये जल्दी उठ गई थी और तो ठंड बहुत ज्यादा हो रही थी, तो इसलिए इसको जर्सी परा के लेके आ गए सुबह सुबह। मैंने बताया ना कि सुबह शाम गांव में ठंड होने लगी, अब शहर में तो इतनी नहीं होती होगी पर गांव में होने लगी। तो मम्मी को दिखाते हैं, मम्मी क्या कर रही है। मम्मी को देख लो, मम्मी भी काम कर रही है। क्या कर रहे हो मम्मा? जाले उतारे, दिवाली की सफाई हो रही है। जाले उतारे यहाँ पर, ऊपर देख लो छत पे, यहाँ पर जाले लग जाते हैं, तो मम्मी ने वे जाले उतार दिए हैं। हेलो बाय आए। बाय। अभी से यार मम्मी बाय शुरू शुरू भी नहीं हुआ, अभी तो बाय बाय करने लगे। आए बाय। अरे छोटी दोनों बाय बाय, आए बाय। ऐसे नहीं चलने का। बताओ राम राम जी। ओ मामा जी। बताओ, सुबह सुबह मम्मी ने बाय बाय कर दी। बताओ, अभी तो ब्लॉग भी स्टार्ट नहीं हुआ पूरा अच्छे से। आए बाय आए बाय। क्या कर रहा है बेटा? ये देख लो मम्मी, यहाँ पर भी जाले तारने लगी है, आपको दिख रहे होंगे। ये देख लो, बहुत ही ज्यादा जाले हो रहे हैं। हम हफ्ते में या 10 दिन में तार ही देते हैं, इतने जाले हो जाते हैं। ये मकड़ी इतने जाले कर देती है, परेशान कर रखे हैं। तभी मम्मी तार रही है मुंह लपेट के। ये मम्मी काम कर रही है, चलो मम्मी को करने देते हैं काम। नो बेटा, कहाँ है छोटी कटिया? कहाँ है? ये रही छोटी ही कटिया, ये है छोटी कटिया। पकड़ लो, जाओ ननो। बिट्टू छोटी कटिया कहाँ है बेटा? ओ बेटा, बिट्टू मैं जा रहा हूँ छोटी बेबी को ऊपर छोड़ने के लिए, ताकि ये कुछ खा पी लेगी। सुबह से इसने अभी तक कुछ नहीं खाया था, यही 4 बजे के करीब बस दूध दूध पिया था इसने। सुबह के 4 बजे के करीब दूध दूध पिया था, तभी से कुछ खिलाएंगे, पता नहीं क्या खाएगी, अंगामारी खाएगी, वैसे तो खाती नहीं है अभी। मैं सोच रहा था छोटी बेबी को ऊपर ही छोड़ के आ जाऊंगा, पर ये बिल्कुल भी नहीं मानी, खा पी के फिर मेरे साथ आ गई, बिल्कुल भी नहीं रुकी। तो अति सार फिर ट्रैक्टर पे बैठ गई है। मैं नहा धो के हो चुका हूँ रेडी और नाश्ता भी हो चुका है सुबह का। और मैं आपको दिक्कत दिखा देता हूँ सुबह सुबह की क्या हो चुकी है। बदन रहे वही आते साथ, इस लोहे के पाइप को घुमा दिया है और अब नेट की रेंज नहीं आ रही बिल्कुल भी। तो अभी से कर इसके भी पैंच निकाल दिए हैं, बंदर ने इतनी जोर से लाया है, तो करते हैं टाइट टाइट। इसे सीढ़ी लेके आ चुका हूँ मैं, और चलो पहले पैंच टाइट कर लेते हैं। देख सकते हो आप, ये लोहे का पाइप है और इस पर मैंने पैंच भी टाइट कर दी और तार भी पूर दिया है, ताकि बंदर अब इसे हला ना पाए। बहुत तो हो चुका था काम कंप्लीट। तो अभी मैं जाऊंगा भैंस के लिए, भैंस को घास पानी करूंगा और उन्हें नहा भी सकता हूँ, पानी भी पियाऊंगा। और तो अभी फिलहाल चलते हैं नीचे, तो मैं भी वहां पर जाकर वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि काम ज्यादा है, हाथ भी गंदे हो जाएंगे, तो इसलिए फोन पर हाथ लगाऊंगा तो फोन की स्क्रीन भी गंदी हो जाएगी, तो मैं फोन नीचे नहीं लेके जाना। तो मैं अभी यहीं रख देता हूँ, फिर आगे मिलते हैं आपसे। चलो अभी के लिए बाय बाय। मैं इसको अच्छे से घास पानी करके, और अब ये देख लो छोटी बेबी को, देख लो क्या कर रहा, क्या कर रहा था, ये देख लो छोटी बेबी को, ये देख लो। तो अभी खाते हैं, चलो चावल बन रहे हैं और आलू की सब्जी है, और छोटी बेबी को देख लो कैसे चावल खा रही है। गंदो मंदो, ओए पंखे को क्या हुआ, कैसे खा रहे हो आप, ऐसे ही सूखे खा रहे हो, सब्जी नहीं लगानी आपको?
नहीं लगाना आपको, नहीं ये तो ऐसे ही खा रही है। तो मैं भी खाता हूँ, मुझे भी भूख लग रही है क्योंकि सुबह से उसमें बहुत ही ज्यादा टाइम लग गया डोबे के पाइप में वो। अरे बेटा रुक जाओ, डोबे के पाइप में ये कंटे वाले तार लगाने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया और हाथ पे भी बहुत ही जगह पर मतलब चुभे थे, बहुत ही ज्यादा चोट भी लग रही है बहुत थोड़ी थोड़ी। तो मैंने मुझे थोड़ी सी डांट लगा दी है क्योंकि मैं एक पूरी वीडियो में ऐसे कहता हूँ कि चलते हैं, चलो चलो चलते हैं, चलो चलते हैं, चलो चलते हैं, तो मम्मी ने कह दिया अब की बार ये मत कहना ज्यादा, क्योंकि बार बार हर वीडियो में यही कहता रहता है चलो चलते हैं, चलो चलते हैं, मम्मी ने ऐसे बोल दिया मुझे, तो अब की बार नहीं बोलूंगा। मुझे भी थोड़ा थोड़ा महसूस होता था क्योंकि ज्यादा कह देता था। अब जिस कमरे में हम खाना खा रहे थे वहां पर शोर शराबा ज्यादा हो रहा है क्योंकि छोटी बेबी मान नहीं रही है, कभी किसी की थाली में चावल खा लेती है उठा कर, कभी किसी के में ऐसे फेंक दिया और रुक के ताट दिया। तो दूसरे कमरे में मैं आया हूँ इसलिए क्योंकि मुझे वीडियो एडिट करनी है, तो करता हूँ मैं आराम से बैठ के। ना छोटी बेबी फोन घोस लेती है, करने भी नहीं देती, तो करते हैं वीडियो एडिट। ये देख लो मैं छोटी बेबी से बच के दूसरे कमरे से इधर आया था और ये फिर आ गई। ये फिर आ गई देख लो। तो भाई खाना खा के और थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग करके छोटी बेबी के साथ थोड़ी सी देर खेल के जब वो मेरे पास में आ गई थी, तो उसके बाद आराम से मैं सो गया था। तो अभी करते हैं कुछ काम, मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ना, इस पे ना मुझे ये हरे रंग के जो घास वाले पायदान आते हैं तो वो लगाने हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। देख लो ये हरे, ये घास है, ये हरे रंग का ये पायदान है, तो इसको यहाँ पर लगाना है। तो करते हैं स्टार्ट काम को अपना और मैं आपको दिखा दूंगा भी लगाते हुए, और छोटी बेबी करेगी मेरी मदद इस काम में। ये आ चुकी है ना। कम पड़ गया था तो लाएंगे, एक दो दिन बाद मैं बुढ़ो जाऊंगा तब लेकर आऊंगा। तो अभी के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, इतनी देर से इतनी मेहनत के बाद कुछ तो अच्छा लगा है ये, तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये था, ये देख लो कितना प्यारा लग रहा है, थोड़ी सी लाइट ही कम आ रही है क्योंकि ये देख सकते हो मैंने फोन की फ्लैश जला ली थी, और ये देख लो कितना प्यारा लग रहा है। अभी थोड़ा काम और बाकी है, तो यहाँ पर ऊपर भी लगानी है और साइड में भी लगानी है और नीचे भी लगानी है। तो अभी इतना ही पायदान था मेरे पास। तो चलो गाइस इस ब्लॉग को मैं करता हूँ यहाँ पर ही समाप्त। आपका अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को देखते रहना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए करता हूँ मैं बाय बाय।